वेलकम बैक टू द नवरात्रि कलर सीरीज डे 8। आज का कलर है पर्पल। तो पर्पल में मैंने बनाया इंस्टेंट जेली शॉट्स। ये जो है हार्डली 5 मिनट लगेगा हमें प्रिपेयर करने के लिए। ये एग्जैक्ट पर्पल कलर तो नहीं है बट पर्पल का एक शेड ज़रूर हमें मिला है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। दिखने में काफ़ी सुंदर है। तो पर्पल शेड आने के लिए मैंने लिया एक बटरफ्लाई पी फ्लावर यानी शंख पुष्प। इसको मैंने बॉईल कर लिया था तो उसमें से ये कलर एक्सट्रैक्ट हुआ है। आप चाहे तो फूड कलर भी ले सकते हैं। जेली बनाने के लिए मैंने इंस्टेंट जेली मिक्स पाउडर लिया है विकफील्ड का। तो ये रास्पबेरी फ्लेवर है जो ये पिंक शेड देगा, बट हमें पर्पल चाहिए इसलिए मैंने जो फूल था उसका जो पानी है उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है। ये पैकेट में जो है अंदर एक पाउच भी था। तो इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है डाई इंग्रेडिएंट ताकि लम्स ना बने। साथ ही साथ हमें 500 ml यानी आधा लीटर पानी को बॉईल करना है और उसी में ये मिक्स कर देना है। हीट बंद कर देना है मिक्स करने के बाद। अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें जो कलर हमने फूल से निकाला था वो। तो इससे हमें एक वॉयलेट शेड मिल गया है। अब जो चाहे वो कंटेनर में इसे सेट कर सकते हैं और गर्मा गर्म ही इसे आपको कंटेनर में डालना है क्योंकि ये सेट होने तुरंत स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास ये छोटे मोल्ड थे चॉकलेट के तो मैंने उसमें भी सेट करने लगा है ताकि हमें जेली के शॉट्स मिले खाने के लिए। तो आप चाहे तो आइस क्यूब ट्रे होता है उसमें भी आप सेट करने रख सकते हैं। तो ऐसे 2-3 कंटेनर अलग अलग में मैंने सेट कर दिया है। आपको मैं दिखा रही हूँ कैसे लगता है। सबसे प्यारा जो है वो शॉर्ट्स वाले थे जो इजीली हम निकाल सकते हैं। ये मैंने बाउल में कर दिया था। ये भी इजीली आप डीमोल्ड कर सकते हैं। बस आपके एजेस को आपको लूज करना है नाइफ की मदद से और ये आराम से निकल जाएगा। तो है ना कितना सुंदर कितना प्यारा। लगभग सिर्फ 15 मिनट मुझे लगे ये रेसिपी को बनाने के लिए। तो जो बच्चे होते हैं छोटे उनको तो काफ़ी पसंद आएगा ये। और थोड़ा ठंडा ही आप सर्व कीजिए तो एंजॉय कर सकते हैं ये शॉट्स। आई होप रेसिपी अच्छी लगी है ये पर्पल या वॉयलेट हम कह सकते हैं जेली शॉट्स की। ये मोल्ड काफ़ी सुंदर था और मुझे तो काफ़ी प्यारा लगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक हाथ ज़रूर ड्रॉप कीजिए अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नए नवरात्रि कलर सीरीज़ के साथ।